छिंदवाड़ा कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों पथ विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम पार्षद कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि 15 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर 13 दिसंबर को हड़ताल की जाएगी। वासुदेव शर्मा ने बताया कि शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं के लिए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 से लागू है, लेकिन जिले में उक्त कानून के तहत पथ विक्रेताओं की जीविका संरक्षण हेतु प्रयास नहीं हुए हैं, जिस कारण पथ विक्रेता वेंडर लाइसेंस तक से वंचित है। इनके पंजीयन का काम भी कानून की मूल भावना के अनुसार नहीं किया गया। पंजीयन के बारे में निकायों द्वारा जानकारी तक नहीं दी जाती है। जागरूक के अभाव में जिले के पथ विक्रेता अपने ही कानून से अनजान है। देश के अंदर छिंदवाड़ा में इस पर अमल नहीं हुआ है और ना ही नगर निगम के अंदर विक्रय समितियों का गठन हुआ है, जिसके कारण नगर निगम जो है अपने मनमाने तरीके से फैसले करती है और मनमाना किराया तय करती है इनका। तो इसलिए आज हम लोगों ने ये ज्ञापन देकर ये मांग की है कि पथ विक्रेता कानून है, उस कानून का अच्छर से अमल किया जाए और यदि 15 दिन के अंदर छिंदवाड़ा नगर निगम में निर्वाचित विक्रय समितियों का गठन नहीं होता है तो हम लोग आगामी 13 दिसंबर को एक दिन की हड़ताल करेंगे और यहाँ नगर निगम पर धरना शुरू कर देंगे। विक्रय समितियों का गठन इसलिए जरूरी है कि नगर निगम में सारे फैसले अधिकारी करते हैं, महापौर करते हैं, पार्षद करते हैं, वसूली भी वो तय करते हैं। जब इनका वहाँ प्रतिनिधित्व होगा तो ये भी अपने बारे में होने वाले फैसलों का वे शामिल रहेंगे। अब जैसे थोक सब्जी मंडी है, वहाँ का थोक व्यापारी एक एक किलो दो दो किलो सब्जी बेच रहा है तो ये लोग क्या करेंगे। रिलायंस माल में सब्जियाँ बेचने लगी है, तो ये लोग क्या करेंगे। तो इनकी जीविका पर बहुत बड़ा खतरा है। हम उस खतरा को से इसको इनको आगाह करने आए और इनसे कहने आए कि आप जो है इनके जीविका का संरक्षण कीजिए, पथ विक्रेता कानून को लागू कीजिए, इनका पंजीयन कीजिए। BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।